पीएम मोदी बोले, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, देशवासियों के लिए करता हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी न सिर्फ जगह जगह रैलियां कर रहे हैं बल्कि टीवी चैनलों पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार से लेकर राम मंदिर और मुस्लिमों तक पर खुलकर अपनी बात रखी है। जब पीएम मोदी से पूछा गया कि उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है तो उन्होंने कहा, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब भी मुझसे यही सवाल पूछा गया था। उस वक्त मैंने जवाब दिया था, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, न ही हिंदुओं के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ गुजरातवासियों के लिए करता हूँ। और अब भी मेरा जवाब यही है कि मैं हिंदू या मुसलमानों के लिए नहीं करता बल्कि सभी देशवासियों के लिए करता हूँ। मैं जो भी योजनाएं लाता हूँ वह सभी देशवासियों के लिए हैं, वे केवल हिंदू या केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूँ कि 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा तो मैं हर परिवार की बात करता हूँ, किसी वर्ग की नहीं, सबका साथ सबका विकास मुद्दे पर उन्होंने कहा, देश को अलगाववादी विचारों से मुक्त होना चाहिए और देश को एक यूनिट के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरी योजनाएं सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चल रही हैं। जब कांग्रेस द्वारा देशद्रोह के कानून को खत्म किए जाने पर पीएम मोदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर देश के टुकड़े होंगे जैसी बातों को बल मिलेगा। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों से अपनी तुलना करते हुए उन्होंने कहा, मैं और अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि कांग्रेस के गोत्र से नहीं है, इसलिए हम बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग हैं और हमारा काम करने का तरीका भी अलग है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल से भी अधिक साल तक देश में राज किया, उनके पास अनुभवी नेता हैं, वे सरकार की बारीकियों को जानते हैं, ऐसे में उनसे एक मैच्योर घोषणा पत्र की अपेक्षा होना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र ने बहुत निराशा पैदा की है। अच्छा होता कि वो बीजेपी से भी शानदार चीजें लेकर आती, लेकिन उसके बजाय उन्होंने शॉर्टकट ले लिया। AFSPA के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए ही नहीं, लेकिन पहले हम वे स्थिति लाएं। तो पाकिस्तान आजकल जिस तरह की घटनाएं कर रहा है, सेपरेटिस्ट जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वे एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भाषा है और अगर उसकी बू आपके मैनिफेस्टो में आती है तो आप देश के सुरक्षा बलों को कितना डिमोरलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर घोषणा पत्र में ऐसी बात कर रही है, देश की सेना को इतना जलील करें, बलात्कार के आरोप वाली बातें करें, ऐसा शोभा देता है क्या?